हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संतोषी तोमर ब्लॉग में। अभी तक रामलीला के वीडियो डाल रही थी और हमारे यहाँ काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी थोड़ा शेयर करूं। और आज से बना रही हूँ मैं ब्लॉग वीडियो, तो आज बनाने वाली हूँ मैं सूजी के पापड़, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी के पापड़। बस एक चम्मच सूजी से बहुत सारे पापड़ बनाएंगे आज हम। तो ये सूजी एक चम्मच है, मैं अभी ये आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक चम्मच सूजी है, ये सब्जी वाली चम्मच है, अलग अलग कलर के बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी होने रख दिया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी लगता है, जितनी अच्छी सूजी पक जाएगी उतने ही अच्छे पापड़ बनते हैं। तो इस गर्म पानी में आप जो पापड़ बनाना चाहें, अजवाइन वाले, जीरा वाले या धनिया वाले, वो डाल सकते हैं। मैं जीरा वाले पापड़ बना रही हूँ, इसलिए मैं इसी गर्म पानी में जीरा डाल रही हूँ। और इसी पानी में हम नमक डाल देंगे। अभी हम इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं करेंगे, जब बैटर बन के रेडी हो जाएगा तब कलर मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें सूजी मिक्स करेंगे, सिर्फ ऐसे चलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। हमारा बैटर अच्छे से पक गया है, अब इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके पापड़ बनाएंगे। हमारा बैटर ठंडा हो गया है, ना ये गाढ़ा है ना ही ये पतला है। बहुत पतला करो तो पापड़ सूखने के बाद बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। और कुछ पापड़ हम ऐसे बनाएंगे वाइट बिना किसी कलर के, और कुछ पापड़ बनाएंगे कलर वाले। तो पहले हम वाइट वाले बना लेंगे, फिर इसी बर्तन में हम कलर मिक्स कर लेंगे और कलर वाले पापड़ बनाएंगे। ये अपने आप ही फैलते जाएंगे, पता है आपको, थोड़ी देर में ही फैल जाएंगे। अगर बैटर परफेक्ट बने तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। देखो, इतने में हमने ये वाइट वाले बना लिए, बाकी बनाएंगे हम कलर वाले। और बच्चे भी बना रहे हैं, बच्चे भी मज़ा ले रहे हैं। इसी बैटर में मिला देंगे जलेबी वाला कलर, ये देखिए आप। हाँ, अब इसे इसी चम्मच से मिक्स करो, जब ये बन के तैयार होंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका। अच्छा मिक्स करो, मैं ज़रा हाथ धुल लूँ। अच्छे से मिक्स करो। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पापड़ बन के तैयार हैं। एक पापड़ में दो कलर मिक्स कर दिए, ये चंदन ने बनाया। देखिए क्या है बेटा ये? एंग्री मैन। एंग्री, कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पापड़ बनकर तैयार हैं, बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं। शाम हो गई, देखिए अभी 6 बज गया है। सारे पापड़ इतने बने थे, एक दिन में सूख जाते हैं। अभी आपको फ्राई करके भी दिखाते हैं। और इनका कलर भी अच्छा दिख रहा है, देखिए ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है। हमारे पापड़ बनके तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप देख सकते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, लाडले लखन लाल की जय। माता सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम लक्ष्मण पधारे, माता सबरी बड़ी प्रसन्न हुई, उनकी पूजा की, आरती की, पुनः मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ भगवान, मैंने आपके लिए चार चाक के सुंदर सुंदर बेर आपके लिए रखे हैं भगवान। प्रबल प्रेम के
अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा पर भक्त का मान न टलते देखा न जाने कौन से गुण पर पंपासर ही जाओ रघुराय ते हो है सो ग्रेबोमताई। यहाँ से थोड़ी सी दूर पर एक पंपापुर नामक शहर है, वहाँ बानरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। आप भगवान वहाँ जाकर के उनसे मित्रता कीजिए, हो सकता है कि माता जी का पता लग जाए। क्यों नहीं, और भगवान जब उधर से आए तो मेरी कुटिया पे होगे अवश्य जाना। अवश्य बापनी, सभी प्रेम से हनुमान जी की जय बोलेंगे, क्योंकि महाराज की हनुमान जी का दर्शन हुआ और वहीं सभी सुग्रीव जामवंत आदि सभी बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं। और ऋषि के श्राप के बाद भारी न यहाँ आ सकता है। मैं जब तक जन्म में जिंदा हूँ वह चैन नहीं पा सकता। महाराज महाराज आप चिंता न करें, मैं अभी वहां पर जाता हूँ, छल से बल से कौशल से सब पता लगाए लेता हूँ। कल हुए मित्र आपके तो मैं तुमसे लाए मिला दूंगा, कल हुए शत्रु आपके तो मैं लड़ूंगा जाओ। करता कारण तो आप ही है पर जाहिर में हम कहना नहीं। क्यों नहीं हनुमान जी? इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान को पहचान करके प्रणाम किया और कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत चलें।